वेलकम टू ऑल इन वन चैनल बाइबल वशा। तो आज हम जो आपके लिए कार्ड लेकर आए हैं वो है स्विंग कार्ड, ठीक है, जो हम स्क्रैप बुक पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम फ्रेंड्स को बर्थडे पे भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है फ्रेंड्स, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस कार्ड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्केल, कटर, स्कोरिंग लाइन के लिए हम खाली पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ हम स्कोरिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमें लेड पेंसिल चाहिए होगी, ग्लू चाहिए होगी, रेज़र चाहिए होगा, सीज़र्स, चार्ट पेपर एंड कंप्यूटर शीट, A4 शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो हम चार्ट पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है। हार्ड शीट हम यूज़ करेंगे, तो हमें हार्ड शीट का साइज़ है हमारे पास 20, ठीक है, 20 बाय 13 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे पास है 20 बाय 13 सेंटीमीटर। तो इसको हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हम इसको 4 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे, 4 4 4 एंड दिस वन 4, ठीक है। तो दूसरी साइड पे भी हम सेम ऐसे ही मार्क करेंगे। ये जो मार्क किए थे अब हम इनको स्ट्रेट लाइन के साथ ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, और हम बहुत ही लाइट लाइन लगाएंगे, हम यहाँ पे डार्क लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इन लाइंस को बाद में रेज भी करेंगे, ठीक है। ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है, ठीक है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रही है 4 सेंटीमीटर के मार्जिन पे हमने, डिस्टेंस पे हमने लाइंस लगाई हैं। अब हमें क्या करना होगा, स्केल की पेंसिल की मदद से हमें यहाँ पर मार्क करना है 3 एंड 10 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन हम यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और फिर हम इसको जॉइन कर देंगे लाइक दिस। ये हमारे पास ऐसे रेडी हो जाएगा पेज। साथ ही चलो ये लाइन जहाँ पे मैं क्रॉस ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइंस हम कटर की मदद से काट लेंगे, ठीक है, ये लाइंस हम कटर की मदद से काट लेंगे इस तरह से, इसको अच्छे से कटर की मदद से काट लेंगे, ठीक है, और बहुत ही ध्यान से हमें काटना है, ठीक है। ये हमने इसको काट लिया है, यहाँ से भी हमने इसको काट लिया है और यहाँ से भी हमने इसको काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये वाली लाइंस सबसे पहले हम स्कोरिंग लाइन से पहले स्कोर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ, सेम यहाँ से भी ऐसे और ऐसे। तो हम सेंटर वाली लाइन से यहाँ से ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी इसको सेम ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, करेंगे तो हम ये कंप्यूटर शीट यूज़ करेंगे इसमें लगाने के लिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली है कंप्यूटर शीट की, ठीक है। तो ये शीट हमने सेंटर में लगाने के लिए हमने कट की है, ठीक है। तो इसका हमने जो साइज़ लिया है वो मैंने 6 बाय, ये देखें, मैंने इसको लिया है 11 बाय 6, ठीक है, इसको मैंने 11 बाय 6 सेंटीमीटर लिया है। और इससे पहले इसको पेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम जो हमने लाइंस लगाई हैं हम उनको रेज कर लेंगे, ठीक है। हमने सारी लाइंस, एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर ली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ इस चीज़ की पेस्टिंग करनी है। तो हम ये वाली जो शीट है हम इसकी चार्ट की बैक साइड पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसकी बैक साइड पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल हम सेंटर में पेस्ट करेंगे और साइड पे येलो भी हल्का सा बॉर्डर मैंने रखा है ताकि वो प्यारा लगेगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ होगा हमारे पास, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास शो होगा। उसके अलावा जो हमने ये शीट्स कट करके रखे हैं ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्टिंग कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड रेडी है, ठीक है, हमारा स्विंग कार्ड रेडी है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। हम यहाँ पे भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।